अर्पिता और गौरव के घर गौरव का एक दोस्त आरव रुका हुआ है। तीनों रात को डिनर के लिए बाहर गए थे। लौटने में काफी लेट हो गया था, इसलिए अर्पिता की आंख सुबह देर से खुली। अर्पिता फटाफट से कमरे से बाहर निकली। तभी कॉमन बाथरूम से गौरव बाहर निकल कर आया और अपने कमरे में चला गया। बाथरूम की लाइट का स्विच बाथरूम के बाहर ही था। अर्पिता ने देखा कि गौरव ने बाथरूम की लाइट बंद नहीं की। वो बड़बड़ाई, ये हमेशा लाइट ऑन ही छोड़ देता है और नाम मेरा लगा देता है। अर्पिता जैसे ही लाइट बंद करने के लिए बाथरूम के पास जाने लगी तो उसमें से आरव बाहर निकला। अर्पिता वहीं रुक गई। आरव उसे देखकर मुस्कुराया। अर्पिता ने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने मन में सोचा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे कोई कंफ्यूजन हुआ है। बाथरूम का दरवाजा बंद था, उसमें से पहले गौरव निकला, फिर दरवाजा गौरव ने बाहर से बंद कर दिया, अब उसमें से आरव बाहर आ रहा है। भाई ये अंदर कब गया? ओ शिट, दोनों एक साथ अंदर थे। नहीं 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 गौरव, ऐसा नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा होता तो वो मेरे रहते हुए एक ही बाथरूम में थोड़ी ना होते। अर्पिता अभी भी नींद में है, तूने आरव को अंदर जाते नहीं देखा होगा। जल्दी से काम निपटा वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अर्पिता अपना सिर खुजाते हुए किचन में चली गई। ब्रेकफास्ट के समय तीनों टेबल पर बैठे तो गौरव अर्पिता से बोला, आज इतना जल्दी तैयार कैसे हो गई? तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? अर्पिता ने गौरव को अजीब तरह से देखा और कहा, डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग है व्हाइट हाउस में, वहीं जा रही हूँ। तुम भी यार, रोज जहाँ जाती हूँ वहीं जा रही हूँ ना, ऑफिस। गौरव बोला, आज संडे है। अर्पिता ने अपना फोन उठाया और उसमें कैलेंडर देखा। वो अपना सिर पकड़कर बोली, अरे यार आज सच में नींद में हूँ मैं। तुमने इतनी देर से बोला क्यों नहीं जब मैं भाग भाग कर सारे काम कर रही थी? हाँ और आज संडे है तो तुम दोनों तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? आरव बोला, भाभी मुझे लगा आपका यही रूटीन होगा इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं आपको, और गौरव और मैं किसी काम से जा रहे हैं, कल हो नहीं पाया था इसलिए आज जा रहे हैं। अगर आप फ्री हो तो आप भी चलो हमारे साथ। अर्पिता कुछ बोलती है उससे पहले गौरव बोला, नहीं नहीं अर्पिता नहीं जाएगी, मेरा मतलब है हमें कितना टाइम लग जाए पता नहीं ना, ये बोर हो जाएगी वहां पर और वैसे भी इसे सोना पसंद है, आज का पूरा दिन ये सोकर ही निकालेगी। अर्पिता चिढ़कर बोली, हाँ हाँ मुझे वैसे भी नहीं जाना है तुम्हारे साथ, काम है मेरे पास बहुत सारे, तुम लोग जाओ। गौरव और आरव घर से निकल गए और अर्पिता सोचने लगी कि आज कितने दिन बाद उसे संडे अकेले बिताने का मौका मिला है। वो पूरा दिन अपनी पसंद का काम करके निकालेगी। उसे ध्यान आया कि पिछले हफ्ते गौरव ने अपने लैपटॉप में कुछ मूवीज डाउनलोड की थी। वो गई और गौरव के बैग से उसका लैपटॉप निकालकर कानों में हेडफोन्स लगाकर पलंग पर आराम से लेट गई। लैपटॉप ऑन करते ही जो विंडो ओपन हुई उसमें पहले से ही कोई हॉलीवुड मूवी लगी हुई थी। अर्पिता ने सोचा, हॉलीवुड मूवीज में गौरव की पसंद अच्छी है तो ये मूवी अच्छी जरूर होगी, यही देख लेती हूँ। पिक्चर के दो तीन सीन्स देखकर अर्पिता बोली, मुझे जो डर था वही हुआ है, मतलब सुबह मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ था, वो दोनों सच में एक ही बाथरूम में एक साथ थे, अगर ऐसा नहीं होता तो गौरव ये गे कपल पर मेरी पिक्चर क्यों देख रहा होता। अर्पिता ने हाथों हाथ गौरव के लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री चेक की। वो लिस्ट पढ़ने लगी, अपने रूठे हुए बॉयफ्रेंड को कैसे मनाए, गे कपल अपना रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, बेस्ट मूवीज ऑन गे कपल्स, गुरुग्राम में डेट पर जाने के लिए बेस्ट प्लेसेस। लिस्ट में आखिरी आइटम पढ़ते पढ़ते अर्पिता चुप हो गई। फिर वो अचानक से बोली, इसीलिए लड़का मेरे पास तक नहीं आता है, लड़कियों में इंटरेस्ट हो तो पत्नी से कोई तार जुड़े ना, लेकिन इसकी तो पूरी वायरिंग में ही लोचा है। कनिका के मामले में जब इस पर शक किया था तो खुद को कितना कोसा था, तब कमबख्त मुझे ये समझ क्यों नहीं आया कि जिसे लड़कियां पसंद नहीं उसे लड़के पसंद होंगे ना, अभी भी इसीलिए उसने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया, डेट पर जो गया है, मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकला, अब ना वो फेस पैक और आरव से चुपचाप वाली बात सब समझ में आ रही है मुझे। बाबा जी आपने मेरी पूजा पाठ का ये सिला दिया है मुझे। अर्पिता को जो कुछ भी हो रहा है उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसने गौरव के बारे में ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। पर फिर उसे राज की कही बात याद आई कि कैसे कुछ लड़के सोसाइटी के डर की वजह से सबके सामने अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसने सोचा कि गौरव भी उन लड़कों में से एक होगा। अर्पिता का पूरा मूड खराब हो गया, उसने लैपटॉप बंद किया और सो गई। शाम को जब आरव और गौरव घर लौटे तो गौरव का मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो आया और सीधे कमरे में चला गया। अर्पिता ने आरव से पूछा, इसको क्या हो गया है, गोलगप्पे वाले ने आखिरी वाला सूखा गोलगप्पा देने से मना कर दिया क्या? आरव अर्पिता की इस बात पर थोड़ा सा मुस्कुराया और हड़बड़ाहट में बोला, नहीं भाभी एक्चुअली गौरव को मुझ पर एक शर्ट बहुत पसंद आ रही थी लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने नहीं ली और ये नाराज हो गया। छोटी सी बात है, मान जाएगा। ठीक है मैं देखता हूँ अंदर जाकर। ओके
आरव अंदर गया तो अर्पिता दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। आरव बोला, गौरव तू ऐसे बिहेव करेगा तो अर्पिता को समझ आ जाएगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। ऐसे लड़ेंगे तो उसे डाउट हो जाएगा कि हम सिर्फ दोस्त नहीं है। गौरव गुस्से में बोला, तो किसने कहा था झूठ बोलने के लिए? मैं शुरू से तुझे समझा रहा हूँ कि ऐसी चीजें नहीं छिपती हैं, कभी ना कभी बाहर आ ही जाती हैं। मैं और झूठ नहीं बोल सकता हूँ यार, तू अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में सोच। आरव बोला, सच बोल दूं ताकि वो सबको बता दे? मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इतने टाइम से ये सब छिपा कर रखा है सबसे। देख, मैं वैसे भी 3-4 दिन में चला जाऊंगा, फिर सब पहले जैसा नॉर्मल और स्मूथ हो जाएगा, तू तब तक एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। गौरव ने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद कमरे से आवाजें आना बंद हो गई और किसी के दरवाजे के नजदीक आने की आवाज आई। अर्पिता जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली गई। डिनर करते टाइम भी टेबल पर बिल्कुल सन्नाटा था। अर्पिता कभी गौरव को तो कभी आरव को देख रही थी। आरव ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए बोला, भाभी मैं गौरव को स्कूल से जानता हूँ, इसे कभी कोई लड़की भाव नहीं डालती थी, ना स्कूल में और ना कॉलोनी में, आपको इसमें क्या नजर आ गया? अर्पिता बुदबुदाई, मेरी तो आंखों के साथ साथ किस्मत खराब थी, पर तुझे क्या नजर आ गया इस आदमी में? आरव बोला, सॉरी आपने कुछ कहा क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया। अर्पिता बोली, हमारी अरेंज मैरिज है, मुझे कुछ ज्यादा सोचने और देखने का मौका नहीं मिला, पर मुझे पहले लगता था कि एकदम स्ट्रेट, मेरा मतलब बिल्कुल सीधा आदमी है। इसने धीरे धीरे सारी गलत फहमी दूर करती मेरी। बहुत स्मार्ट है ये। गौरव अर्पिता को देखने लगा। अर्पिता मुस्कुराई और अपना खाना खाने लग गई। रात को अर्पिता अपने कमरे में सोने चली गई और आरव और गौरव अपने कमरे में। अचानक गौरव की तेज आवाज से अर्पिता की नींद खुली। उसने टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। अर्पिता बाहर गई तो उसने देखा कि गौरव आरव को घर से बाहर निकलने के लिए कह रहा था। वो गुस्से में चिल्लाया, निकल जा मेरे घर से, अभी अपना सामान ले और यहाँ से रवाना हो जा, वापस मत आना यहाँ फिर। आरव बिल्कुल रोनी जैसा हो गया था। वो धीरे धीरे अपने बैग में सामान रखने लगा। सामान रखकर वो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। उसने अर्पिता को देखा और बोला, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा, आप समझाओ ना इसे, मैं कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। अर्पिता गौरव से बोली, ये सही कह रहा है, रात के 3 बजने वाले हैं, अभी होटल कहाँ ढूंढेगा ये, अभी रहने दो, फिर कल सुबह तुम दोनों का दिमाग भी शांत हो जाएगा, तब आराम से बात कर लेना, ओके? गौरव ने कुछ नहीं कहा और कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अर्पिता ने आरव को एक बेडशीट और पिलो देकर कहा, सोफे से काम चलाओ आज, गुड नाइट। अगली सुबह अर्पिता जब उठी तो अपने पलंग के पास नीचे आरव को सोता देखकर चौंक गई और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आवाज से आरव जागा और बोला, सॉरी मैं बिना पूछे यहाँ सो गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे डर लगने लगा था इसलिए यहाँ आकर सो गया, आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको जगाया नहीं। अर्पिता बिना कुछ बोले वहां से सीधे गौरव के पास गई और उसे जगाया। गौरव, गौरव उठो, गौरव, गौरव उठो ना। गौरव नींद में बोला, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जो सुबह सुबह आसमान सिर पर उठा लिया तुमने? अर्पिता गुस्से में बोली, एक अनजान आदमी तुम्हारी बीवी के कमरे में बिना पूछे घुस गया है और बगल में सो रहा है, और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो और ये पूछ रहे हो कि मैंने आसमान सिर पर क्यों उठाया हुआ है, कैसे आदमी हो तुम? अरे बल्कि मुझे तो पूछना चाहिए आदमी हो भी या नहीं। गौरव अपनी आंख मसलता हुआ उठा और बोला, कुछ नहीं करेगा वो तुम्हें, जानता हूं मैं उसे इतने सालों से, सेफ हो तुम बिल्कुल, डोंट वरी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। गौरव की बात से अर्पिता को पूरा यकीन हो गया कि आरव और गौरव दोनों गे हैं, इसलिए ना तो गौरव अर्पिता को कुछ करता है और ना ही आरव करेगा। अर्पिता ने मन ही मन फैसला किया कि वो गौरव और आरव की रिलेशन की सच्चाई का सबूत इकट्ठा करके घर वालों के सामने रख देगी। यहाँ अर्पिता और गौरव आपस में लड़ रहे थे और वहाँ आरव किसी होटल की तलाश में अपना बैग उठाकर घर से निकल गया था। अर्पिता आरव के जाने से वैसे तो खुश थी, लेकिन उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो गौरव और आरव की सच्चाई का प्रूफ कैसे इकट्ठा करेगी। कुछ देर बाद अर्पिता ऑफिस पहुंची। लंच टाइम में गौरव का उसे कॉल आया और उसने उसे लंच के लिए कैंटीन में बुलाया। उसे लगा वो अर्पिता से हुई अपनी लड़ाई को सुलझा लेगा। गौरव के जबरदस्ती करने पर अर्पिता मन ना होने पर भी वहां गई। अर्पिता जब वहां पहुंची तो आरव गौरव से बात कर रहा था। वो उनके सामने ना जाकर साइड में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लग गई। गौरव आरव को वहां आने के लिए डांट रहा था। गौरव बोला, ऐसी क्या इमरजेंसी है कि तुझे आना पड़ा, अर्पिता यहां आने वाली है, तू निकल जा उसके आने से पहले,
उसका ऑलरेडी तेरी वजह से बहुत मूड खराब है। वो तुझे देखेगी ना तो और भड़क जाएगी। मैंने पहले ही बहुत झूठ बोला है उससे तेरी वजह से, और नहीं बोल सकता हूँ, समझ मेरी बात को। अब तू जा यहाँ से। आरव बोला, तू फोन नहीं उठा रहा था मेरा तो आना पड़ा मुझे। तुझे पता है ना मुझे अकेले में कितनी बेचैनी हो जाती है, और तू मुझे अब ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। तुझे आज आना ही पड़ेगा होटल, आखिरी बार। फिर मैं तुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूंगा। गौरव ने आरव को काफी मना किया, लेकिन आरव की बातों के आगे उसे हार माननी पड़ी और वो बोला, आज आखिरी बार, फिर चाहे तू किसी भी रिश्ते का वास्ता दे, मैं आउट हूं इन सबसे। अर्पिता जो ये सब सुन रही थी उसे लगा कि गौरव और आरव को रंगे हाथों पकड़ने का ये अच्छा मौका है, लेकिन उसे ना आरव के होटल का नाम पता था और ना ही ये पता था कि गौरव वहां कब जाएगा, और दिन भर पार्किंग में बैठकर गौरव पर नजर रखना भी इम्पॉसिबल था। अर्पिता मन महसूस कर रह गई। आरव के जाने पर वो गौरव के पास गई और चुपचाप लंच करके वापस अपने ऑफिस चली गई। अर्पिता शाम होने पर जब घर लौटी तो संयोग से गौरव भी उसी समय सोसाइटी में घुसा। अर्पिता ने देखा कि कार से गौरव और आरव दोनों निकले और कार की डिक्की से उन्होंने आरव का लगेज उतारा। आरव ने गौरव को गले लगाकर कहा, थैंक यू माय गौरव। गौरव अपने आप को छुड़ाते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ, हम घर पहुंच गए। ये सब देखकर अर्पिता अपने आप से बोली, मान गई रूठी हुई गर्लफ्रेंड। बाबा जी आपने भी क्या जोड़ी बनाई है, मैं तो इस कहानी की पति पत्नी और वो बन चुकी हूँ, लेकिन इस धोखेबाज को तो सबक सिखाना ही होगा। हाँ, आखिर क्यों ले आया है गौरव आरव को वापस, और अर्पिता कैसे करेगी उनकी इस रिश्ते का पर्दाफाश? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।